नमस्कार, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। मैं हूं योगेशकांत। आगरा का नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं आगरा विश्वविद्यालय से प्रशासन द्वारा प्रमाण मांगे हैं। वहीं आगरा के मेयर ने इसका समर्थन किया है। इसी के साथ साथ मेयर ने एक विवादित बयान भी दिया है। उनका कहना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, जो भी नाम चेंज हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है आगरा के लिए। इधर अग्रवंशियों का बहुत योगदान रहा है और अग्रवंशियों की सबसे ज़्यादा आबादी अगर कहीं है तो वो आगरा में है। महाराजा अग्रसेन जी का भी आगरा से बड़ा लगाव था, जुड़ाव था और उन्होंने बहुत समय आगरा में गुजारा है और उसी के कारण से कि अगर सर्वाधिक अगर अग्रवंशियों का महाराजा अग्रसेन जी के अनुयायियों का अगर कोई शहर है भारतवर्ष के अंदर, वो आगरा है। और अनेक उल्लेखों में बात आई है समय समय पर, पुरातन समय के और इतिहासकारों ने भी बताया है कि महाराजा अग्रसेन जी का एक मिनी राजधानी के रूप में आगरा का प्रयोग होता था। और इसलिए चूंकि आगरा एक नाम जो मुग़लों के द्वारा स्थापित किया हुआ नाम है, अब हिंदू राष्ट्र हमारा भारतवर्ष बनने जा रहा है, उस ओर चल रहे हैं, तो अब जो बदलाव तो होना स्वाभाविक ही है। और आगरा का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर अग्रवन होना चाहिए। और चूंकि उल्लेख है और आगरा बहुत ऐतिहासिक शहर रहा है और ऐतिहासिक शहर में महाराजा अग्रसेन जी का भी उल्लेख है, अगर इतिहास को ढूंढवाया जाएगा, निकलवाया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसमें महाराजा अग्रसेन जी का योगदान आगरा के लिए निकलेगा।